नमस्ते बच्चों, कैसे हो? बच्चों मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ। बच्चों अच्छा, बच्चों हमने सातवीं कक्षा में यानी पिछले पाठ में क्या देखा था आपको याद भी है? हाँ बच्चों, हमने एक सुंदर क्या देखा था बोलिए, कहानी को देखा था। हाँ क्या कहानी है वो? महात्मा गांधी के आश्रम के बारे में। आज हम नए पाठ में क्या देखने वाले हैं बोलिए बच्चों? यस, पद्य। पद्य इज अ व्हाट? पोएट्री। टॉपिक है राजा रानी। ये कौन लिखा है? श्री रामधारी सिंह दिनकर। ये आपके किताब में है। यस, ये है श्री रामधारी सिंह दिनकर। पहले हम इनके कविता कविता इन्होंने कैसे लिखा था वो देखेंगे, उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर की कवि परिचय के बारे में। कवि परिचय का मतलब क्या है? उनका लाइफ स्टाइल में उन्होंने क्या क्या किया था, पोएम क्या क्या क्रिएट किया था, इसके बारे में हम आज देखेंगे बच्चों। पहले अब कवि परिचय के बारे में अब हम दिनकर जी का देखेंगे। दिनकर जी का जन्म, जन्म का मतलब क्या है? उनका बर्थ, उन्होंने कब पैदा हुए? यस, कब पैदा हुए थे इसके बारे में अब हम देखेंगे। जन्म इज है बर्थ। हाँ, और राज्य में कौन सा राज्य मालूम? बिहार राज्य में, बिहार उस डिस्ट्रिक्ट उस जिले में उन्हें सिवरिया नाम है। एक छोटा सा स्थान है सिवरिया, बिहार में सिवरिया का एक जगह है और वहां उन्होंने पैदा हुए थे। वे हिंदी की राष्ट्रधारा के, वो हिंदी के नेशन धारा फ्लो, सो नेशन के बड़े पक्के आदमी थे, ग्रेट पोएट थे, महान ग्रेट पोएट। उनकी कविताएं, उनकी पोएट्री देखो। यस, उनकी पोएट्री है भारत की, इंडिया की, सोई हुई, सोई मीन्स स्लीपिंग, आत्मा मीन्स सोल, सो सोई हुई आत्माओं को, आत्मा मीन्स सोल, सोई हुई आत्माओं को हाँ जगाता है उनका पोएट्री। सो जगाने में सफल हुए थे, जीते थे, तूंगिट इरुंदा अंद आत्मा कूड अवर पोएट्री पार्त्ता एलुमी निक्कुमा। वे सरकारी, सरकारी इज अ गवर्नमेंट, वे सरकारी कर्मचारी, को वर्कर्स, कॉलेज प्रोफेसर, संसद के सदस्य, एसोसिएशन में मेंबर भी थे और विश्वविद्यालय में ये उपकुलपति वाइस प्रिंसिपल थे। इतना काम किया था उन्होंने। और तथा भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट की हिंदी सलाहकार, हिंदी काउंसलर, सलाहकार इज अ काउंसलर, एक मिनट, सलाहकार, सलाहकार, काउंसलर, काउंसलर थे और समिति, कमिटी में, समिति, कमिटी, हाँ कमिटी भी, और इन्होंने अध्यक्ष, प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष इज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। अब हम इस पद्य में इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में अब हम देखें। प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का मतलब क्या है? नेचर, उसका ब्यूटी, सौंदर्य इज अ ब्यूटी, तुम लोग तो कितने ब्यूटी रहते हो उसी प्रकार के प्रति कर दिनकर, हमारे रामधारी सिंह दिनकर दृष्टि को उनके आंखों से देख रहे थे। एक अनूठा, यूनिक, अनूठा इज है यूनिक, अनूठा इज है यूनिक।
हाँ ये देखिए बच्चों, अनूठा इज अ यूनिक। हाँ इसके बाद उन्होंने क्या बोला है इस पद्य में, आप हम देखें। उसके बाद उस दृष्टिकोण से उनके वो जो देख रहे थे ना रामधारी सिंह, प्रकृति कर्म, सो नेचर के उस वक्त प्रेरणा हिंट मिला था। प्रेरणा का अर्थ क्या है? हिंट। और प्रकृति का सौंदर्य, वो नेचर का ब्यूटी उनके लिए एक संघर्ष सदा एक क्लैश होने की प्रेरणा हिंट। प्रदान मीन्स एक्ट ऑफ गिविंग करने वाला, सत्य था, ट्रूथ था, सच्चाई था। प्रदान इज एन एक्ट ऑफ गिविंग। नेचर उन्हें पूरा सिखाया है, वही तो इस पद्य में बोल रहे। प्रकृति इनको बहुत ज्यादा ये सच है, उन्होंने प्रूव भी किया था हमारे रामधारी सिंह ने। अच्छा बच्चों अब मैं चित्र, ये क्या है बोलो? वसंत काल, समर, कृषि, पूरा सीजन है। और सीजन को क्या बोला? वसंत के सीजन को राजा बोला है और रानी किसे बोला? वर्षा, रेनी सीजन। इसलिए मैंने ऐसे लिया है चित्र को। चार सीजन है यहाँ पे, उसमें वसंत के ठंडे दिन को बोला जाता है, यस उसे राजा बोला है, वर्षा को रानी बोला है। राजा वसंत है ना बच्चों, वर्षा ऋतु। राजा आगे कौन है? वो ठंडे दिन वसंत, और वर्षा ऋतु रेनी सीजन, ऋतु इज अ सीजन। ये रानी है, रानी वर्षा इज अ रानी, राजा इज अ वसंत। लेकिन दोनों की टू, वो दोनों वर्षा और वसंत दोनों कितने भिन्न कहानी, डिफरेंट स्टोरी है ना बच्चों। वर्षा अलग है, वसंत भी अलग है, सो उनकी कहानी भी अलग अलग होगी ना। राजा के मुख के हंसी, सो राजा के उस चेहरे के हंसी स्माइल, कंठ में माला, नेक वॉइस में माला, समझ में आया ना, कंठ में माला, जो वो फ्लावर्स होते हैं उस वसंत में, सो उस वो पूरा वो सीजन आके उसके गले में माला के रूप में, ड्रीम के रूप में हमारे रानी से है। रानी का अंतर, रानी अलग है, डिफरेंट है। विकल ध्रुवों में पानी, वो रेस्टलेस है, विकल मीन्स रेस्टलेस, उसके ऊपर पानी, पानी मीन्स वर्षा होता तो पानी होता ही रहता, ध्रुव मीन्स बॉडी, डोलती पूरा जगह स्प्रेड है, पानी पूरा जगह स्प्रेड होता है और कूलिंग पूरा जगह भी स्प्रेड होता है, ये तो सच। सुरभि राज घर कोने कोने में, सुरभि इज अ फ्रेग्रेंस स्मेल, पेड़ पौधे के उतने अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस सारे जगह में है और राजा घर कोने में, राजा घर के कोने में कॉर्नर में रहता है। कौन? बसंत। खोले अलके रानी व्याकुल सी आई, हाँ रानी के आंखें, यस वो वर्षा की आंखें, अलके मीन्स दी हेयर को ओपन करना, यस सो रानी आके हेयर को ओपन करके सजा रही है, डेकोरेशन कर रही है, सो बारिश डेकोरेशन कर रानी को, क्योंकि वर्षा को रानी के तब औरत हमेशा एक अच्छा सा डेकोरेशन करते रहते, इसी प्रकार उन्हें कल्पना के रूप में किया, सजा कर डेकोरेशन। खोले अलके रानी व्याकुल, व्याकुल से इंपेशियंस से आती, उमड़े जाने क्या बेता लगी वरों ने, हाँ उसका एम्बिशन कुछ वेस्ट हो गया, बेता इज अब वेस्ट हो गया, तो रानी ने, औरत तो हमेशा रोती है जो तकलीफ होता है, सो इसी प्रकार वर्षा रोने लगे जैसे बारिश पड़ रहा है, इसको ऐसे कंपेयर किया है रामधारी सिंह ने कर। रानी रो रो पोछो आंसू ना आंचल से, हाँ राजा बोल रहा है रानी मत रो, तुम्हारे आंचल, आंचल मीन्स शॉल से तुम्हारे टीयर्स को पोछ। राजा अबोध खेले कचरन कमल से, हाँ राजा आके क्या करता, अबोध इग्नोरेंस, बिना मालूम के अरिया में, तमिल में अरिया में बोलते, हाँ खेले कचनर, वो जानता नहीं कि रानी रो रही है, सो कमल से राजा खेल रहा है। आंचल इज है कपड़ा, रानी को आंचल से पोछने के लिए बोला, लेकिन
वो क्या बोल रहा, वो खुशी से रहता राजा। कौन राजा? बसंत। वो कमल के साथ खेलता है बसंत। राजा के वन में कैसे कुसुम खिलेंगे? कुसुम इज राजा के वन में कैसा है कुसुम, क्योंकि वसंत स्प्रिंग सीजन जैसा, तब तो पूरा पेड़ झड़ेगा, फूल सब नहीं आएगा, कैसे खिलेगा कुसुम? कुसुम इज अ फ्लावर। सींचो ना भरा यदि तुम आंसू के जल से, तुम प्लफ करो तुम्हारे आंसू, टीयर्स के बारिश को टीयर्स के रूप में, वाटर को रूप में बोला है। राजा रानी की कविता। कौन है राजा? वसंत। रानी कौन है? वर्षा। सो इसकी रचयिता, इसका क्रिएशन कौन है? हुआ राजा रानी के रूप में, राजा रानी के वो रूप को कवि ने किनको माना? किनको माना था कवि ने? हाँ, प्रकृति को माना था। प्रकृति ने उन्हें सिखाया, वो सच है, उन्होंने प्रूफ किया। यही पहले मैंने आपको वो शाम से बताया। कवि वसंत काल के बारे में क्या कहते थे? ये सवाल के रूप में पूछा जा रहा है। कवि वसंत काल के रूप में क्या बोलते थे और कवि वर्षा ऋतु के बारे में क्या बोलते थे, उसकी महिमा के बारे में क्या वर्णन किया था, कितना सुंदर से उन्होंने, कितनी कल्पना के साथ उन्होंने बहुत अच्छा सा लिखा। सो वसंत कैसा था ऋतु, वो दोनों को राजा रानी के रूप में देखा। यस बच्चों, और बसंत क्या बोलता है, वर्षा क्या बोलता है, उसकी महिमा क्या है? हाँ, वो औरत होने पर भी अपने आचर से पूछने के लिए बोलता है, लेकिन बसंत सोचता नहीं कि वो बहुत खुश रहता। कौन? कभी भी मनुष्य में मेल एंड फीमेल में, मेल उतना तकलीफ को दिखाता नहीं, लेकिन फीमेल दिखाती है। वो अपने तकलीफ को टॉलरेट नहीं करती, इसे आंसू के रूप में बताती है। सो इस प्रकार उन्हें प्रकृति ने उसने सारा सिखाया। यहाँ पे कभी ऐसे ही बोल रहे थे, ठीक है ना बच्चों, आपको बात समझ में आया होगा। इस प्रकार रामधारी सिंह दिखर ने प्रकृति के सौंदर्य को क्लैश, लड़ाई यही तो, बसंत और वर्षा ऋतु को लड़ाकर, हाँ क्लैश होकर, और उनसे हिंट वो एक्ट के गिविंग रूप में सत्य से, सच से बोला। आपको ये पाठ समझाया होगा, कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो बच्चों। कितना अच्छा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, कितना अच्छा वो थी, वो प्रकृति को इतना छोटा सा रख के कितना अच्छा पोएम उन्होंने बनाया है, ये तो हम लोग भी कर नहीं सकते। अच्छा बच्चों, पढ़ाई में ध्यान दो, COVID-19 में बाहर मत जाओ प्लीज बच्चों। हाँ अच्छा सा पढ़ो, माँ बाप का कहना मानो। धन्यवाद बच्चों।